डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शैवेंद्र कुमार व्यास, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, SPP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर। हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रांस के संविधान की विशेषताएं। उसमें विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए अगली विशेषता है कि फ्रांस का संविधान कठोर संविधान है। सामान्यतः संविधान दो प्रकार के माने जाते हैं, एक कठोर, दूसरा लचीला। संविधान की कठोरता या लचीलेपन से तात्पर्य है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया से। तो फ्रांस का संविधान है वो कठोर संविधान है, क्योंकि अनुच्छेद 89 के अंतर्गत संविधान संशोधन के दो तरीके दिए गए हैं, जिसमें प्रथम दो जो तरीका है कि राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तावित कर सकता है, और यदि संसद के दोनों सदन उसे 60% बहुमत से पारित कर देते हैं तो संशोधन स्वीकृत हो जाता है। दूसरा तरीका है कि प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई भी सदस्य स्वयं संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर सकता है, और यदि ऐसा प्रस्ताव दोनों संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए तो यह जनमत संग्रह के लिए निर्वाचकों के सामने रखा जाता है और बहुमत मिलने पर संविधान में संशोधन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांस का जो संविधान है उसमें संशोधन है, संशोधन करने के जो तरीके हैं उसके आधार पर स्पष्ट है कि यह कठोर संविधान है। दूसरी विशेषता है लोक संप्रभुता। फ्रांसीसी संविधान के अंतर्गत लोक प्रिय जो संप्रभुता है उसको महत्व दिया गया है। फ्रांस के संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संप्रभुता जनता में निहित है और जनता अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा या जन मत संग्रह के द्वारा करेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि संविधान ये कहता है कि संप्रभुता जनता में निहित है और जनता उसका प्रयोग या तो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करेगी या अपने जन मत संग्रह के आधार पर करेगी। तीसरी विशेषता आती है पंथ निरपेक्ष राज्य। फ्रांस में राज्य द्वारा घोषित या पोषित कोई पंथ नहीं है, बल्कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उसे अपनी धार्मिक भावनाओं, आस्थाओं और मान्यताओं को अपनाने के संदर्भ में पूर्ण स्वतंत्रता है। राज्य सभी विश्वासों का आदर करेगा और सभी नागरिकों के बीच जाति या पंथ के आधार पर भेदभाव किए बिना समानता स्थापित करेगा। तो इस प्रकार से फ्रांस का जो संविधान है उसमें पंथ निरपेक्षवादी राज्य की अवधारणा को अपनाया गया है। इसके बाद में है मूल अधिकार। फ्रांस का जो संविधान है ये नागरिकों को मूल अधिकार देता है और मूल अधिकार प्रस्तावना में संक्षिप्त रूप से निहित हैं। जैसे फ्रांस में स्त्री पुरुष की समानता है, काम पाने का अधिकार है, हड़ताल करने का अधिकार है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, सार्वजनिक एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, सभी को समान अवसर के बिना किसी भेदभाव के समान अवसर के अधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से फ्रांस का जो संविधान है वो नागरिकों को मूल अधिकार भी प्रदान करता है। इसके बाद में है मिश्रित शासन प्रणाली। फ्रांस में मिश्रित शासन प्रणाली अपनाई गई है जिसमें संसदीय व अध्यक्षात्मक दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद सदस्य नहीं होते लेकिन संसद की कार्रवाइयों में भाग लेते हैं, लेकिन उन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता।
इसी प्रकार से मंत्रिपरिषद है वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रीय सभा मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। दूसरी ओर देखा जाए तो फ्रांस का राष्ट्रपति है, नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं है, वह शक्तियों से युक्त कार्यपालिका है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य नहीं करता बल्कि स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि फ्रांस के अंतर्गत मिश्रित शासन प्रणाली, जिसमें संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। अगली विशेषता के अंतर्गत देखते हैं राजनीतिक दलों की संवैधानिक मान्यता। फ्रांस के अंतर्गत राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई है। जैसा कि अनुच्छेद 4 में यह व्यवस्था दी गई है कि मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य जो साधन है वो राजनीतिक दल होंगे और इन राजनीतिक दलों को संविधान मान्यता देता है। जबकि अन्य देशों की तुलना करते हैं तो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि देशों में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है बल्कि संवैधानिकतर संस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से फ्रांस के संविधान की ये विशेषताएं हैं। थैंक यू।